गोलियां आए हैं, आज धरना आए हैं, ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता क्यों कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ रहे हैं? इसलिए तो आते हैं कि उनकी कोई सुनने वाला वहां पर है ही नहीं, सिर्फ पैसा और परिवारवाद है वहां पर, और कोई बात नहीं है। परिवार का, खुद के परिवार का सोचने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने अपने परिवार का ही सोचा है और अपनी जेब में पैसा कहां से आता वही सोचा है। ये तो चिंतन करते हैं, ये अमृत निकला है, अमृत निकला है। मैंने सुना है उन्होंने कहा, बड़े बड़े प्रचार करते हैं, भाषण करते हैं लंबे लंबे, अब मैं क्या कहूं, नहीं कहना चाहिए, मगर आप इशारे में समझ लेना, उनका और राष्ट्रीय नेता कह रहा है, अब उसमें मैं भी, मेरा भी लंबा हो रहा है। ए लोगों सुनो, क्या हो रहा है? अरे बोलने का तरीका भी नहीं है, राष्ट्रीय नेता है, कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है और क्या बोल रहा है? और किसी ने कहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे औखा मंडल की सरजमीन के ऊपर जो भमासा है ये हमारे बबूबा मायंक है, अब इसके खिलाफ अगर कोई शब्द उठाएगा हम हर चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसका जवाब आने वाले इलेक्शन में दिया जाएगा, आने वाले इलेक्शन में उसका जवाब दिया जाएगा। ए लोगों, उन्होंने कहा है हमारे जो नाम दिया है लतीफ का आपने, कि अहमदाबाद में जो लतीफ हुआ करता था ये तो आपकी देन थी, ये किसी ने नहीं बनाया था लतीफ को, लतीफ को बनाया आपने है, ये लतीफ आपका ही गुंडा था और आपने बनाया, तब आपको उसके बारे में पछतावा हुआ ही नहीं कि हम ऐसे कहे कितने लतीफों को पैदा कर रहे हैं? कांग्रेस की हुकूमत में लतीफ जैसे कई सैकड़ों हजारों गुंडा हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो वो लतीफ की सरखामणी हमारे वीर भामाशाह ऐसे बबूबा वेम्बा माणिक की उसके साथ सरखामणी हो ही नहीं सकती है। यहाँ तो ये हमेशा के लिए तमाम धर्मों की फिक्र कर रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए ये की फिक्र होती है कि मेरे इलाके की ओखा मंडल की मेरी बच्चियों की शादी में कैसे करा लूं, कब करा लूं, वही फिक्र हुआ करती है। किसी गरीब के लिए क्या करना है वही फिक्र होती है। अरे शिव का भक्त है, शिव की प्रार्थना करता है, वो कैसे हो सकता है लतीफ? ए लोगों, लतीफ के बराबर उनकी सरखामणी की ही नहीं जाती है, जा सकती है। अगर आपने इसके बाद अगर ज्यादा से ज्यादा, आज तो आप बच चुके हो, यहाँ से बच करके गए हो, ओखा मंडल की सरजमीन के लोग, हम ओखा मंडल वाले ऐसे नादान है ही नहीं, वरना आप चिंतन शिविर के अंदर चिंतन और मनन करते रहते और हम वहां आकर के आपका अमृत निकाल देते। इसलिए सोच करके, ऐ लोगों, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि हमारे लोकप्रिय नेता ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे धारा सभ्य श्री बबूबा वेम्बा माणिक ने हर हमेशा के लिए हमारे काम किए हैं, हमारी मदद की है, हमारे साथ खड़े हैं, आज में हमारे